ये देखें आप, इसको अच्छे से इतना मतलब पेस्ट सी हम लोगों ने तैयार कर ली है। और अब यहाँ पे हम लोग मैदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको भी हम लोगों ने हल्के हाथों छान कर इसके अंदर जो है वो शामिल करना है। इस तरह से हमने राउंड बॉल्स बना लेनी है और इनको प्लेट पर रखते जाना है बिस्किट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो व्यूअर्स अब जो सी खटाइयाँ होगी हमारी बिल्कुल तैयार। ये तो व्यूअर्स अब ये आपको एक साइड भी चेंज करके दिखाते हैं नान खटाई की। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, तो तोड़ के भी दिखाती हैं आपके सामने कितनी खस्ता है ये। देखिए फुली कुक हो चुकी है। तो व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार सी आज की जो सी रेसिपी है आपको पसंद आएगी, तो ज़रूर हमें सपोर्ट करना है और हमें आप लोगों ने इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स हम आप लोग अपने चैनल क्योंकि विद नाज़िम एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की स्पेशल जो कि शाम में आप लोग बनाकर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं एक रेसिपी लेकर आए हैं। तो आज हम आपको बना सिखा रहे हैं वो है नान खटाई और बग़ैर ओवन के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगी बग़ैर ओवन के। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या लिया। मैंने एक कप जो है वो मैदे का लिया है, हाफ कप मैंने घी का और हाफ कप ही जो है वो चीनी, मतलब चीनी और घी की दोनों मिकदार हम वज़न होनी चाहिए। अगर वैसे आप इसको मतलब मेयर करेंगे तो इसके वज़न में क्योंकि घी का वज़न और होगा, लेकिन अगर हम कप के हिसाब से इसका मेयरमेंट करें तो आपने इनको हम वज़न लेना है। यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग सोडा और यहाँ पर मैंने जो है पीसी हुई इलायची। तो अब यहाँ पर हमने एक बर्तन के अंदर, तो यहाँ पे हम लोगों ने ही ली है हाफ कप चीनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हमने छान कर डालना है हल्के हाथों से इस तरह। जी तो व्यूअर्स जब हम लोग इसके अंदर घी शामिल कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी जो सा है वो आपका पिघला हुआ होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे घी को पिघला कर ठंडा कर लिया था और उसके बाद अब हम लोग जो सा है इस चीनी के अंदर इस घी को शामिल कर रहे हैं। और आप लोगों ने इसको सिर्फ चीनी और घी को पहले अच्छे से हाथों की मदद से जो सा है वो गूँध देना, जैसे हम लोग आटे को गूँधते हैं ना उस तरह आपने इसको गूँध लेना इस तरह से। जी तो व्यूअर्स अब हम लोगों ने जो सा है ये देखें आप, इसको अच्छे से इतना मतलब पेस्ट सी हम लोगों ने तैयार कर ली है। लाइक आपने इसको 50 टाइम्स गिन के है इसको मिक्स करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग मैदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको भी हम लोगों ने हल्के हाथों छान कर इसके अंदर जो सा है वो शामिल करना है। साथ साथ हमने इसको मिक्स करते जाना है और हिलाते जाना है। आप लोगों ने इस दौरान कोई भी दूध कोई भी पानी नहीं शामिल करना। अगर कोई आपसे कहता है कि पानी वगैरह इन चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी पानी के दूध का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये बिस्किट है, तो वो गलत आपको गाइड कर रहा है अगर वो आपको ऐसा कह रहा है। तो आपने हल्के हाथों इन सब चीज़ों को गूँध लेना है जैसे आप लोग यूजली अपने आटे को गूँधते हैं। तो मैं फिर अब इसको फाइनल करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा 1 टेबल स्पून जो है मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर वो शामिल कर रही हूँ। और इसी स्टेज पर हम लोगों ने मतलब इसको मिक्स करने के बाद जो सी है ये कुटी हुई अलसाबज़ इलायची है इसको भी हम लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। ये तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं, ये देखें मैंने इसको कैसे मतलब सब कुछ जैसे पेड़े की तरह है इसको गूंथ लिया है इस तरह। इसमें ये देखें ये बन रहा है, ठीक है। इस स्टेज पे लाके इस कंसिस्टेंसी में आपने इसको जो सा है वो छोड़ देना है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो सा है रूम टेम्परेचर पर रेस्ट दे रही हूँ, ठीक है। और फिर से 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जो फिर 15 मिनट मैंने इसको रेस्ट देके एक बार फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हाथ को मैंने ग्रीस करके यहाँ पे छोटा सा लाइक मतलब इस तरह हमने एक छोटी सी राउंड बॉल बनानी है इस तरह से। एक प्लेट लेके हमने उसके ऊपर ये रख देने हैं और बाकी सब भी जो से मैं इसी तरह से ये बॉल्स बना के इनको रख लेती हूँ। इस तरह से हमने राउंड बॉल्स बना लेनी है और इनको प्लेट पर रखते जाना है बिस्किट की। व्यूअर्स मैंने एक प्लेट के अंदर ये सारे के सारे जो से बिस्किट रख लिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। जैसे व्यूअर्स हम लोगों ने यहाँ पे एक देश का बड़े साइज़ का लिया है, इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले जो सा है हीट कर लिया है। अब मैं इस ट्रे को बिस्मिल्लाहिर्रहमान तो हमने ये सब जो से हैं बिस्किट्स इनको रख दिया है और अब हम लोगों ने जो सा है इसको बिल्कुल बंद कर देना है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से कवर कर देती हूँ
20 से 25 मिनट हम लोग इसको पकाते हैं और आपको दिखाते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या सूरत हाल है बिस्किट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखें कितने फूल गए हैं, लेकिन अभी फुली डन नहीं हुए, तो इनको हम लोग तकरीबन 10 से 15 मिनट और पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो व्यूअर्स अब जो सी खटाइयाँ होगी हमारी बिल्कुल तैयार, ये देखें बिल्कुल मतलब कि सही है, कुछ साथ लगानी है। ठीक है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, बी केयरफुल। ये तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमें कितने छोटे छोटे से रखे थे, सब कितने फूल गए हैं और कितने मज़ेदार से खस्ता खस्ता से जो से कटाइयाँ हमारी हो गई है तैयार। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हम लोगों ने इनको हाथ नहीं लगाना, हमने इनको 20 से 25 मिनट इस तरह ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। रूम टेम्परेचर पर रखें आप इसको, तो ये देखें आप कितनी मतलब खस्ता खस्ता से ये है, तो आपको सुनाई भी दे रहे हैं। ठीक है फुली कुक हो चुके हैं, तो अब मैं इसको 20 से 25 मिनट रेस्ट दूंगी और उसके बाद जो से ये हमारी नान कटाई आप उसको चाय के साथ पेश करें, शाम की चाय में बना के अपने घर वालों का दिल जीत लें। और इस दिल जीतने के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स मैं आप लोगों से यहाँ पर इजाज़त ले रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल फाइनल हो गई है, जस्ट हमने इसको ठंडा होने का वेट करना है, उसको सर्व करना है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करना, ये आप लोगों का प्यार है, आपकी हौसला अफजाई और हमारी सपोर्ट है। इतना कि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल किस भी नाजनी के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, हम आपके लिए दुआ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।